आजकल हमारे घरों में बहुत ढेर सारी सब्जी आ जाती है जो फ्रीज में पड़े पड़े ख़राब होने लगती है। तो ऐसे ही मैंने कल फ्रीज खोला जिसमें मैंने देखा कि ये गाजर बहुत दिन से पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक नई रेसिपी बनाऊं और आप लोगों तक इसको शेयर करूं। तो इसके लिए मैंने लिया है गाजर और गाजर को मैंने धुल लिया है। तो मेरे पास छोटे साइज़ की गाजर थी इसलिए मैंने 3 गाजर लिया है। अगर आपके पास बड़े गाजर है तो आप केवल 2 गाजर लीजिए। और उसके बाद इसका हमें छिलका हटा देना है। तो धुलने के बाद इसका हम सारा छिलका हटा देंगे और उसके बाद हमें इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो आप इसे किसी भी शेप में काट लीजिए क्योंकि इसे हमें उबालना ही है। तो इस तरह से हम सारे गाजर काट लेंगे। तो मैंने सारी गाजर को काट लिया है। अब मैंने एक पैन रख दिया है और इसमें रख दिया है पानी। तो अब इस पानी में हम सारी गाजर को डाल देंगे और डालने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए इसे हम पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। और जब ये पक जाएगी तो इसे हम ठंडे पानी से धुल लेंगे और गाजर को ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमें इसको मिक्सर में डालना है, मिक्सर जार में, और इसका बारीक से पेस्ट बना लेना है। तो इसको थोड़ा सा हार्ड होता है पीसना, तो हमने उबाल लिया है इसलिए जल्दी ये पीस जाएगी। तो देखिए इस तरह का पेस्ट हमें इसका बना के तैयार कर लेना है। अगर इसको पीसने में थोड़ा सा मुश्किल हो थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसको पीस लीजिए। तो अब हम दूसरे साइड लेंगे एक बर्तन और इसमें मैंने ले लिया है 1 कप आटा। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है। उसके बाद हम इसमें गाजर वाला पेस्ट डाल देंगे और पेस्ट डालने के बाद इसको हम आटे में मिक्स करेंगे और इसका बढ़िया सा डो हम तैयार करेंगे। तो आटे में हम पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इस पेस्ट से ही हमें इसका डो जैसे तैयार कर लेना है। तो देखिए इसका बढ़िया सा मैंने आटा गूंथ लिया है और इसी तरह का डो हमें तैयार करके रख लेना है। तो इसको रखेंगे हम एक बोर्ड में, या तो आप चकला ले लीजिए, और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे लोइयां बना लेंगे। तो इसके मैंने 4 पार्ट कर लिया है। अब एक पार्ट को लेंगे और इस तरह से इसको लंबा लंबा करके पतला कर लेना है। तो दोनों हाथों का यूज़ करते हुए हमें इसे पतला कर लेना है। तो जितना पतला हो सके आप उतना पतला इसको कर लीजिए। उसके बाद तो देखिए मैंने इसको पतला कर लिया है। अब इसको हम कट करेंगे। तो एक हम ले लेंगे चाकू और चाकू से इसे छोटे छोटे पीसेस में हमें कट कर लेना है। तो देखिए इतने छोटे छोटे पार्ट हमें इसके कर लेना है और इस तरह से हम सारा कट करके रख लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से सारा कट करके रख लिया है। तो अब चलिए हम इसको उबालते हैं। तो इसको उबालने के लिए मैंने पैन में रख दिया है पानी और जब ये पानी खौलने लगेगा तो हम इसमें सारा पीसेस डाल देंगे। ध्यान रहे कि जब ये पानी खौलने लगेगा तभी हमें इस पीसेस को इसमें डालना है, नहीं तो ये चिपक भी सकते हैं। तो देखिए मैंने सारा डाल दिया है। अब इसको हम एक चम्मच से पूरे में फैला देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको हम ढक देंगे। तो 4 से 5 मिनट के लिए हमें इसे ढक के पका लेना है। जब ये पक जाएंगे ना तो पहले वाले शेप से थोड़ा सा मोटे हो जाएंगे, तो आप समझ जाइएगा कि पक गए हैं। तो देखिए ये थोड़ा थोड़ा मोटे हो गए हैं। इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसमें ठंडा पानी डाल के और इसको 2 से 3 बार हम धुल लेंगे। अब हम रख देंगे एक पैन, उसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल और ये गर्म हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे जीरा। जीरा चटकने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो एक प्याज को यहाँ पर मैंने कट करके डाल दिया है। अब इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक हमें पकाना है। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसको हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेना है। तो देखिए प्याज हल्की सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है 2 मिर्ची और आधा शिमला मिर्च मैंने कट करके इसमें डाल दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाल दिया है पत्ता गोभी कट करके। तो अब इन सब्जियों को हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे ताकि सब्जियों का पानी सूख जाए और सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो 1 से 2 मिनट ऐसे ही हमें चलाते हुए सब्जियों को हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। तो देखिए ये सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर और टमाटर डालने के बाद हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर और यहाँ पर मैंने डाल दिया 1 चम्मच नमक। तो स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है गरम मसाला। तो अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें अपने नाश्ते को डाल देंगे जो अभी हमने रेडी करके रख लिया है। तो इसको भी हम इसमें मिला देंगे और
थोड़ी देर के लिए इसको हम ऐसे ही चलाते हुए हमें पका लेना है, ताकि इसमें जो मसाला है और जो नमक है ना, इसमें बढ़िया से एब्जॉर्ब हो जाए। तो बस एक मिनट के लिए हमें इसे ऐसे ही चलाते हुए पका लेना है, उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। तो लीजिए, ये बढ़िया सा नाश्ता बन के रेडी हो गया है। इस नाश्ते के आगे चाउमीन, मैगी, पास्ता, माइक्रोनी, सारे नाश्ते फेल हो जाएंगे। और ये नाश्ता बच्चे से लेके बड़े तक सभी को पसंद आएगा, तो आप भी ट्राई कीजिए।